कर्नल कुछ प्लानिंग कर रहा है, कुछ ऐसा जिससे हमारे देश पे खतरा हो सकता है। वो कर्नल चाहे कितना भी बड़ा प्लान बना ले, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। खुफिया विभाग के सुरक्षा कर्मी बहुत चतुर होते हैं, वो हमारे देश पे आँच नहीं आने देंगे। वो प्लान अगर सफल हो गया तो हमारे देश में तबाही मच जाएगी। नहीं चकू, हम इस बारे में और बात नहीं करेंगे। का वॉलेट, ये सूरज भी ना बिल्कुल लापरवाह, अपनी चीजें कहीं भी छोड़ देता है। पहले ये बताइए कौन है? ये बापू है। अच्छा, आपके बापू हैं? हमारे बापू हैं, तुम्हारे बापू हैं, सबके बापू हैं, क्योंकि इन्होंने हमें आजादी दिलाई। हमें तो यकीन भी नहीं हो रहा कि आप इस पिंजरे को तोड़ के जा रहे हैं। ये बापू की फोटो है, बापू जी तुझे याद दिलाते रहेंगे कि तुझे करना क्या है। हमका पता है तू का सोचत है। जी की तस्वीर देखकर हम याद आ गए ना, हमारे दिल में जो कुछ हुआ था हम उकर डालते थे। ओ, हम ही थे ना जो गांधी बापू के बताए हुए रास्ते पर चलकर ई देश की सेवा करेगा चाहते थे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाँ, हम ही थे। हम इस उम्र के थे तब हम खुलकर अपने आजादी के सपने देखा करते थे और हमें मौका भी मिला उन्हें हासिल करने का। लेकिन अब हालात कुछ और हैं। अब हमारे पैरों में जिम्मेदारी की बेड़ियां बंधी हुई है। हमारा एक पति, हमारी एक बेटी, हमारा एक परिवार और हम अब हम सिर्फ अपने आजादी के सपने नहीं देख सकते। अब हम चाहे भी तब भी वो सब कुछ नहीं कर सकते जो उस कच्ची उम्र में किया करते थे। थत पगली, तो का सरकारी बाबू की मदद नहीं करेगा है तो नहीं कर, पर बहाना काहे बना रही है? हम कोई बहाना नहीं बना रहे। बहाना नहीं बना रही है तो और का कर रही है? का सरकारी बाबू की मदद इसके लिए नहीं करेगा है ना, काहे की तोहरा एक परिवार है। अरे हम कह रहे हैं तू अपने परिवार के खातिर उन सरकारी बाबू की मदद कर, देश का बचाई के लिए। क्या मतलब? हम कुछ समझे नहीं। हम समझावत है। देख चकोरिया, तोहरी बिटिया के पास ना ही ईश्वर मौसा जी है और ना ही दादी उनका शिक्षा देने के लिए। उनके पास सिर्फ तू है उनकी माई, तो का बुराई से लड़के अपनी बिटिया का अच्छाई की शिक्षा दे का पड़ी है। याद है दादी ने क्या कहा था? आजादी मिलने के बाद आजादी की जंग खत्म नहीं होती,
देश की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए नागरिकों को रोज जंग लड़नी पड़ती है। आप सानवी की माई, हमने तो कहा रास्ता बता दिया, अब ऊपर चलना है या नहीं चलना है उधारी मर्जी है। हम समझ गए हैं कि हमें क्या करना है, हमें किस रास्ते पर चलना है और हमें डट कर हर परिस्थिति का सामना करना है। तो बेताली हेलो हसन जी, नमस्ते। हम जखोर राजवंशी बात कर, हम आपसे मिलना चाहते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। रॉय जी ने तो हमें यहीं आने के लिए कहा था, कोई है क्यों नहीं? छोड़ो, छोड़िए, कौन है? आप घबराइए मत, आप जहाँ जाना चाहते हैं हम आपको वहीं ले जाना चाह रहे हैं। हम रॉय हैं और इससे सीक्रेट, इसलिए हम आपको कवर करके ले जा रहे हैं। यहाँ से नीचे उतरना रहेगा, एक सीढ़ी है लेकिन ध्यान से उतरना, नहीं तो आपका पैर टूट सकता है। नीचे क्या मतलब, कहाँ ले जा रहे हो हमें? आइए आइए, आप घबराइए मत। ये क्या जगह है?
हेलो चकोर जी, मेरा नाम अभय है, एके हसन। जी, हम कहाँ हैं? आप उत्तर प्रदेश के सबसे खुफिया जगह पर आई है और ये हमारे रॉ एजेंसी का हेडक्वार्टर है। जी तो हमने फोन पे जिससे बात की थी वो आप ही थे, पर हमें यहाँ इस तरह लाने का क्या मतलब? मतलब है चकोर जी, हम खुफिया विभाग के लोग हैं, हमारे काम में हर चीज खुफिया ही रखी जाती है, हमारे लोग भी, यहाँ के रास्ते भी। चलो मुद्दे पे बात करते हैं, बताइए क्या जानती हैं आप कर्नल यशवंत बेदी के बारे में? उतना ही जितना जितना कि आपने हमारे पति को बताया, यही कि उनके पास बहुत सारा गोला बारूद है, बहुत से हथियार है जिससे बहुत से लोगों की जान जा सकती है, हमारे देश का बहुत नुकसान हो सकता है और वो कुछ ऐसा करने वाले जिससे हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये जो भी आपने कुछ बताया ये तो सिर्फ एक झलक है कर्नल यशवंत बेदी नाम के तूफान की। आइए आपको दिखाते हैं ये तूफान कितना खतरनाक है।